शहर के नेहरू गेट क्षेत्र में रेगनान छोटा बास स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में रविवार को सुबह 22 कबूतर मृत पड़े मिले। क्षेत्रवासियों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को कब्जे में लिया तथा दिलवाड़ा रोड स्थित नर्सरी में ले जाकर दफना दिया गया। कबूतरों के मरने के कारण को लेकर कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक साथ इतनी संख्या में कबूतरों का मरना संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर में रविवार को सुबह कबूतर मृत पड़े मिले, जो करीब 10 दिन पहले के है। गंध आने के बाद क्षेत्र के लोगों को पता चला। क्षेत्रवासियों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत कबूतरों को मौके से उठाया, जो बुरी तरह से संदान मार रहे थे। टीम ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलवाड़ा रोड नर्सरी ले जाकर दफनाया है। वन रक्षक सुधीर का कहना है कि मृत कबूतर करीब 10 दिन पुराने हैं। उनके मरने का कारण फिलहाल सामने नहीं आया है। स्कूल लंबे समय से बंद है, मगर मौके पर ऐसा कोई दाना भी नहीं मिला है जिसे लगता हो कि जहरीले दाने के कारण उनकी मौत हुई है। प्रथम दृष्टया सर्दी के कारण उनकी मौत होना माना जा रहा है। दूसरा कारण बर्ड फ्लू का भी हो सकता है, मगर अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। उधर जानकारी मिलने के बाद जीवदयाल संस्थान ब्यावर के लालचंद साखला, देवनारायण प्रजापति, कपिल सेन, राजकुमार बंबानी तथा राकेश सेन भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान सदस्यों को वहां पर 4-5 कबूतरों के बच्चे भी नाजुक हालत में मिले, जिनके दाना पानी और इलाज की व्यवस्था अब जीवदयाल संस्था की ओर से की जाएगी। वार्ड नंबर 27 के अंतर्गत रेगरान मोहल्ला छोटा बास स्थित स्कूल है हमारी, उसके अंदर जो कि बंद पड़ी है, उसके अंदर कबूतरों के मरने की सूचना मिली। मौके पे पहुँचे, देखा बदबू आ रही है और कबूतर मरे पड़े काफ़ी, तो हमने वन विभाग की टीम को सूचना दी और जीव दया संघ के जो हमारे पास नंबर थे उनको सूचना दी। आप सभी लोग मौके पर पधारे और त्वरित कार्रवाई करते हुए और कबूतर जितने भी जो मृत कबूतर हैं उनको अभी वन विभाग की टीम लेके गई है और 22-23 कबूतर के आसपास थे। हम ये सोचते हैं कि भाई वन विभाग और ये जीव दया संघ जो है अलर्ट है और इस प्रकार से अगर ये लोग काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वर्ल्ड फ्लू पे सरकार और ये विभाग काबू पाएगा। अधिकारी के निर्देशानुसार जैसी सूचना मिली छोटा बास के ग्रामीणों के द्वारा और यहाँ जीव विज्ञान संस्थान और रक्षा संस्थान के द्वारा, तो उसके बाद में त्वरित रूप से वन विभाग का समस्त स्टाफ छोटा बास के अंदर पहुँचा और ये कार्रवाई अमल में लाई गई। अब इसके बारे में बाद में पता चलेगा कि किस वजह से जो 22 कबूतर हैं वो मरे हैं, तो ये विसरा और इनकी जाँच करने के बाद में पता चलेगा। चंदानी एंड सन्स, एक कंप्लीट किराना मार्ट, लाए हैं स्वाद और शुद्धता से भरपूर कार्तिक मसाले, बगैर मिलावट के शुद्ध मसाले, हर रसोई की पहली पसंद। साथ ही कार्तिक ब्रांड की कार्तिक चाय, घूट घूट में लाए ताजगी। कार्तिक डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों को दे नई जिंदगी। और शुद्धता से भरपूर तिल्ली, मूंगफली, सोयाबीन का कार्तिक तेल और चटपटे अचार में ब्रांडेड अगरबत्तियां। जन्म से लेकर विवाह तक सभी जरूरत का सामान उपलब्ध है तथा मांगलिक आयोजन हेतु पूजन सामग्री व सभी प्रकार का किराना सामान बेहद वाजिब दाम में। और तो और मक्खन, पनीर, चीज, फ्रेंच फ्राइज, नूडल, पिज्जा व फास्ट फूड बनाने के आइटम्स भी, साथ ही डिस्पोजल आइटम्स भी उपलब्ध और ड्राई फ्रूट की विशाल रेंज। तो आज ही चले आइए चंदानी एंड सन्स, एक कंप्लीट किराना मार्ट, चांगेट के अंदर लूम जी के ढाबे के पास, ब्यावर।